किंग कोहली बने कप्तान रोहित की टेंशन, फिर से खराब फॉर्म हुई हावी, T20 और वनडे के बाद टेस्ट में भी गिरावट जारी। जी हां, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, स्टार बल्लेबाज और क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली पर एक बार फिर से खराब फॉर्म हावी हो गई है और ये खराब फॉर्म कुछ ऐसी है जो कि अब टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के लिए भी टेंशन की बड़ी वजह बन चुकी है। खास बात तो यह है कि विराट कोहली की अगर मौजूदा आंकड़ों को देखा जाए तो विराट कोहली अब अपने आंकड़ों में ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जहां पर वो करीब 8 साल पहले हुआ करते थे। अब सुनकर भले ही आपको हैरानी हो रही हो, लेकिन यहां पर विराट कोहली का ये खराब फॉर्म टीम इंडिया के लिए भी बड़ा सिरदर्द बन चुका है। तो आखिर कैसे विराट कोहली की ये खराब फॉर्म अब कप्तान रोहित शर्मा के लिए टेंशन का सबब बन चुकी है? आखिर क्या है विराट कोहली के वो शर्मनाक आंकड़े जो आज विराट खुद भी नहीं देखना चाहेंगे? चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूँ। विराट कोहली की खराब फॉर्म का सिलसिला बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी जारी है। चेन्नई में खेले जा रहे बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में भी विराट कोहली कुछ कमाल नहीं दिखा सके। जहां चेन्नई टेस्ट की पहली पारी में वो सिर्फ 6 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए, वहीं दूसरी पारी में वो 17 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि दूसरी पारी में विराट कोहली के खिलाफ अंपायर का एक गलत फैसला भी गया, लेकिन खुद अंपायर ने भी अंपायर के फैसले को चैलेंज ना करते हुए DRS का इस्तेमाल नहीं किया। और विराट कोहली के इसी खराब फॉर्म के चलते अब वो अपने क्रिकेट करियर के ऐसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उनका प्रदर्शन टीम इंडिया की टेंशन की वजह बन चुका है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के बाद विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में औसत 48.74 का हो गया है, जो कि पिछले 8 सालों में सबसे कम है। आखिरी बार 2016 में विराट कोहली का औसत 48.28 का था। 2020 से ही विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है। पिछले 30 मैचों में विराट ने 32.72 की औसत के साथ 1669 रन ही बनाए हैं। इस दौरान टेस्ट क्रिकेट की 52 पारियों में विराट के बल्ले से 2 शतक और 8 हाफ सेंचुरी आई हैं। मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल की भी बात करें तो विराट कोहली ने 5 टेस्ट मैचों की 8 पारियों में कुल 392 रन ही बनाए हैं। देखा जाए तो विराट कोहली साल 2024 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। 2024 में खेले इंटरनेशनल क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स की 15 मैचों की 17 पारियों में विराट कोहली ने कुल 319 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बल्लेबाजी का औसत 18.76 का ही रहा है, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है जो कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके बल्ले से देखने को मिला था। तब विराट कोहली ने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताते हुए 76 रन बनाए थे। विराट कोहली के टेस्ट करियर की बात करें तो विराट ने खेले अपने टेस्ट करियर की 114 मैचों की 193 पारियों में 8871 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी बल्लेबाजी का औसत 48.74 का रहा है, जिसमें 29 शतक तो 30 हाफ सेंचुरी शामिल है। इसके अलावा 2020 के बाद से विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट का प्रदर्शन और भी गिरावट भरा रहा है। इसके अलावा अगर 2020 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के प्रदर्शन की बात करें तो विराट कोहली ने 2020 के बाद से भारत के लिए खेले 30 टेस्ट मैचों में 669 रन बनाए हैं, जिसमें उनका टॉप स्कोर 186 रहा है। क्रिकेट के खेल में एक टर्मिनोलॉजी अक्सर इस्तेमाल की जाती है कि फॉर्म इज टेम्पररी बट द क्लास इज परमानेंट। विराट कोहली के लिए भी ये टर्म हमेशा इस्तेमाल की जाती रहेगी, क्योंकि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि उन्हें खुद को साबित करने की और जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि खासकर टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की ये खराब फॉर्म टीम इंडिया के लिए टेंशन का कारण जरूर कही जा सकती है, क्योंकि टीम इंडिया अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा साइकिल में लगातार 3री बार फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें सच होती है तो ऐसे में विराट कोहली का फॉर्म में आना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश के बाद टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के साथ 3 टेस्ट मैच घर पर ही खेलने हैं, तो उसके बाद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है जहां पर 5 टेस्ट टीम इंडिया खेलती हुई नजर आएगी। ऐसे में विराट कोहली को खुद अपने इस खराब फॉर्म का हल ढूंढना होगा, फॉर्म में लौटना होगा और टीम इंडिया के लिए दोबारा रन बनाने होंगे। क्या लगता है आपको, विराट कोहली की कब तक फॉर्म में वापसी हो पाएगी? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।